नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 दिसंबर को रिलीज़ हुई रानी मुखर्जी की फ़िल्म मर्दानी 2 के 11 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। आपको बता दें कि ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म का क्लैश हुआ था इमरान हाशमी और ऋषि कपूर स्टार फिल्म द बॉडी के साथ। आपको बता दें कि द बॉडी फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। वहीं बात करें फिल्म मर्दानी 2 की, तो ये फिल्म सुपरहिट की कैटेगरी में पहले ही आ चुकी है। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। ज़्यादातर क्रिटिक्स ने फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए थे और 4 से 5 की रेटिंग दी थी। वहीं बात करें दर्शकों की, तो पब्लिक को भी ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इस फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, दर्शकों का कहना था कि ये फिल्म अपने पिछले पार्ट से भी कई गुना अच्छी थी। इस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगी रानी मुखर्जी, जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। वहीं इस फिल्म का निर्देशन किया है गोपी पुथराम ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के बैनर तले। बात करें फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट था लगभग 23 करोड़ रुपए, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 20 करोड़। वहीं प्रिंट और पब्लिसिटी पे खर्च किए गए थे 3 करोड़ रुपए। बात करें फिल्म के प्री रिलीज बिजनेस की, यानी कि फिल्म के रिलीज़ होने से पहले की कमाई की, तो आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने रिलीज़ होने से पहले ही 22 करोड़ रुपए कमा लिए थे। यहाँ दोस्तों, इस फिल्म के डिजिटल राइट्स बिके थे 5 करोड़ में, म्यूजिक राइट्स 2 करोड़, सैटेलाइट राइट्स फिल्म के बिके थे 15 करोड़ रुपए में, जिसे मिलाकर फिल्म की टोटल रिकवरी अपनी रिलीज से पहले ही 22 करोड़ रुपए हो चुकी थी। इस फिल्म की हम बात करें यदि स्क्रीन काउंट की, तो इस फिल्म को भारत में लगभग 1500 स्क्रीन मिली थी। वहीं ओवरसीज में फिल्म को 300 स्क्रीन मिली थी। वर्ल्ड वाइड फिल्म को 1800 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था। इतनी कम स्क्रीन के बावजूद फिल्म के कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। आपको बता दें कि यदि इस फिल्म का क्लैश फिल्म द बॉडी से ना होता, तो ये फिल्म और भी अच्छा कलेक्शन बॉक्स ऑफिस से कर सकती थी। बात करें फिल्म के 11 दिनों के कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन ओपनिंग ली थी 3 करोड़ 80 लाख रुपये से। वहीं दूसरे दिन शनिवार का फायदा फिल्म को मिला था और फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली थी और फिल्म ने कमाए थे 6 करोड़ 55 लाख रुपए। तीसरे दिन रविवार होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और पहले दिन से डबल से भी ज़्यादा कलेक्शन फिल्म के आए थे। फिल्म ने अपने तीसरे दिन कमाई की थी 7 करोड़ 80 लाख रुपए। बात करें फिल्म के चौथे दिन की, तो मंडे को वर्किंग डे होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में 50% की गिरावट देखने को मिली थी और फिल्म ने कमाए थे 2 करोड़ 85 लाख। पाँचवें दिन फिल्म ने कमाए 2 करोड़ 65 लाख, छठवें दिन 2 करोड़ 25 लाख, वहीं सातवें दिन फिल्म ने कमाए थे 2 करोड़ 15 लाख रुपए। फिल्म का एक हफ्ते का कलेक्शन हो चुका था 28 करोड़ 5 लाख रुपए। अब बात करें फिल्म के आठवें दिन की, यानी कि दूसरे शुक्रवार की, तो इस दिन रिलीज हुई थी सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग 3, जिस वजह से इस फिल्म की स्क्रीन काउंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी और फिल्म के शोज़ भी कुछ कम हो गए थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश भर में चल रहे CAA प्रोटेस्ट की वजह से भी फिल्म के कलेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा और फिल्म के शोज़ कम रहे, लेकिन उसके बावजूद फिल्म के कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इस फिल्म ने अपने आठवें दिन यानी कि दूसरे शुक्रवार को कमाई की थी 1 करोड़ 15 लाख रुपए की। वहीं नवे दिन शनिवार की वजह से फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिला और फिल्म ने कमाया 1 करोड़ 95 लाख। बात करें संडे की यानी दसवें दिन की, तो संडे को भी फिल्म के कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और फिल्म ने कमाए थे 2 करोड़ 20 लाख रुपए। अब बात करें फिल्म के 11वें दिन की, तो 11वें दिन की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो है लगभग 10 से 12%, जो कि इवनिंग और नाइट शो में 22 से 25% की देखने को मिल रही है। बात करें फिल्म के 11वें दिन की कलेक्शन की, तो फिल्म अपने 11वें दिन कमा रही है लगभग 90 लाख रुपए, जिसे मिलाकर फिल्म का 11 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो जाता है 34 करोड़ 25 लाख रुपए। वहीं बात करें फिल्म के इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की, तो ये हो चुका है 39 करोड़। फिल्म ने ओवरसीज से 11 दिनों में बटोरे हैं लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए, जिसे मिलाकर फिल्म का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड हो चुका है 11 दिनों का 50 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि ये फिल्म सुपरहिट की कैटेगरी में आ चुकी है। यदि फिल्म 60 से 70 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर करेगी, तो फिल्म हो जाएगी ब्लॉकबस्टर। आपको क्या लगता है दोस्तों, कि ये फिल्म सुपरहिट रहेगी या फिर ब्लॉकबस्टर हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने ये मूवी देखी और आपको कैसी लगी, ये भी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम आपको देते रहते हैं सारी मूवीज़ के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट्स।